नमस्कार दोस्तों वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करेंगे जो मार्केट में ब्रेकआउट आया आज के दिन में जो लेवल्स मैंने कल आपको बताए थे ग्यारह हज़ार छः सौ बीस और बाईस हज़ार आठ सौ का आज मार्केट ने उसको सक्सेसफुली पार किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है तो देअर विल विद द चांसेस कि निफ्टी यहाँ पे ग्यारह आठ सौ को टच करेगा और बैंक निफ्टी अराउंड तेईस नौ सौ को टच करेगा जहाँ पे कि टू हंड्रेड मूविंग एवरेज आ रहा है तो बैंक निफ्टी में हज़ार पॉइंट की रैली और निफ्टी के अंदर करीब करीब डेढ़ सौ पॉइंट की रैली यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है इस ब्रेकआउट के बाद तो अब आपको कैसे पोजीशन बनानी चाहिए अपनी अगर आपने को बना ली है तो उसको क्या स्टॉप लॉस लगा के आपको होल्ड करना है? ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था बेसिकली संडे का वीडियो संडे को मैंने एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग द ऑप्शन सेलिंग कोर्स जी हाँ दोस्तों जिन लोगों की डिमांड थी कि एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स बनाया जाए और उनको चीज़ें समझाई जाए अंडरस्टैंड की जाए तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और कल के वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं इवन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है प्लस इसी के साथ मैंने मैनी ऑफर्स में जितने भी कोर्सेस हमारे चलते थे रिगार्डिंग द इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स ऑप्शन कोर्स इन तीनों पे ऑफर्स रखे गए हैं इवन इंट्राडे इन स्टॉक्स का जो कोर्स है उस पर फिफ्टी का ऑफर है इंडेक्स कोर्स पर फिफ्टी का ऑफर है और प्लस जो लोग इंडेक्स ऑप्शन कोर्स ख़रीदना चाहते हैं और वो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो सिर्फ टू थाउजेंड रुपीज़ है और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो फ़ीस है वो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ है तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा तो आप डेफ़िनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं आप चेक कर सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, में मेरा नंबर अवेलेबल है हाँ क्यों एन की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चिन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों की क्वेरी आई है जो ऑफर्स चल रहे हैं वो एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है तो मैंने कल के वीडियोस में क्लियरली बताया था आपको कि ऑफर एक्सटेंडेड है टिल द पंद्रह अक्टूबर तक तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई है इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग कोर्स इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स इन इंटरडे तीनों कोर्स पे ऑफर्स चल रहा है आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसमें मेरे को कोई भी क्वेरी है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आज की क्लोजिंग देख लेते हैं देखो ऑलमोस्ट एक पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है वन पॉइंट ग्यारह हज़ार छः सौ बासठ पे क्लोजिंग आई है कल मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी अगर जिन लोगों ने फॉलो करी होगी तो डेफिनेटली वो आज के दिन में उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा प्लस वो एक पोजीशन भी बना के रख सकते हैं क्या थी वो डिस्कशन कल मैंने आपको क्या चीज बताया था कि कल मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा 11620 का लेवल है अगर मार्केट इसको रनिंग मार्केट में ब्रेक करता है समझ रहे गैप अप में नहीं रनिंग मार्केट में ब्रेक करता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा आपको और इस ब्रेकआउट के जो टारगेट आएंगे वो 11800 तक के टारगेट आएंगे तो ये आप देख रहे हो कि इसने आज रनिंग मार्केट में इसको ब्रेक किया और ऑलमोस्ट जो हाई बनाया वो 11680 का बनाया तो जिन लोगों ने आज ये ब्रेकआउट देख के कोई ऑप्शन बाई किया है तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि वो उसको होल्ड करें एक अच्छा प्रॉफिट उनको मिल रहा होगा और प्लस एक दो दिन में और मिल सकता है दूसरी चीज़ जिन लोगों ने कोई भी ऑप्शन नहीं बाई किया है तो उनको मैं बता दूं अगर यहाँ पे कोई भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है और निफ्टी ग्यारह हज़ार छः सौ बीस तक दोबारा जाता है ग्यारह हज़ार छः सौ बीस तक यानी यहाँ पे ये ऊपर गया फिर ये थोड़ा सा नीचे आके और फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आपको मिलती है तो आप वो ग्यारह आठ सौ की कॉल बाय कर सकते हो मंथ एंड वाली बाय कर लीजिएगा वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी तो उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है उसका जो टारगेट है वो ग्यारह आठ सौ का टारगेट है ग्यारह आठ सौ स्क्रीन पे दिखे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और एग्जिट कर लीजिए सेम चीज़ मैंने आपको निफ्टी बैंक में बताई थी कि निफ्टी बैंक में आपको क्या चीज़ बताई थी कि रनिंग मार्केट में अगर आपका बाईस आठ सौ ब्रेक होता है तो आप एक तेईस हजार की या तेईस पाँच सौ की कॉल लेके या चौबीस हजार की कॉल लेके होल्ड कर सकते हैं क्योंकि फिर ये जो टारगेट है वो ऊपर के काफी अच्छे टारगेट आ रहे हैं अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा देखो ब्रेकआउट तो हुआ है अब ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी हमें चाहिए कि ये कंफर्मेशन भी मिल जाए तो देखो कंफर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज है कि ये ब्रेकआउट है कल मार्केट इस लेवल के ऊपर ही जो आज के क्लोजिंग है इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहता है तो ये एक कन्फर्मेशन है फिर आप तेईस हजार की कॉल ले सकते हो और वो कॉल आपको करीब करीब तेईस तीन सौ तक के टारगेट तो आपको एक दो दिन के अंदर ही मिल जाने चाहिए यानी कल या तो कल मिल जानी चाहिए या फिर आपको परसों मिल जानी चाहिए अगर नहीं मिलते हैं तो नेक्स्ट सीरीज में आपको पक्का मिल जाएंगे इम्पॉर्टेंट यही है कि ये बाईस आठ सौ के ऊपर ट्रेड करता रहे अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है और यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कल मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा ही नहीं मतलब जैसे खुले अगर इसके ऊपर भी खुलेगा तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ जानी चाहिए अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है समझ गए यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये अगर ब्रेकआउट कन्फर्म्ड है मतलब अगर तेजी होनी है आगे एक्सटेंड होनी है तो कल मार्केट इस लेवल के ऊपर ज़्यादातर ता टाइम ट्रेड करे बाईस नौ सौ के ऊपर ज़्यादातर ता टाइम ट्रेड करे तो आपको एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलता हुआ दिखाई देगा लेकिन अगर ये तेजी नहीं होनी है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो कल हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ तुरंत ही नीचे आ जाए मतलब खुलते ही एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले 100-200 पॉइंट के हो सकता है 23,000 खुले और वहाँ से तुरंत प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो दे विल बी द चांसेस कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी और अगर कल भी हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है और निफ्टी इस लेवल को कंटिन्यूसली ट्रेड कर देखो निफ्टी की ज़्यादा टेंशन नहीं है निफ्टी को सपोर्ट करने वाले बहुत स्टॉक हैं अभी रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप देख रहे हैं आप आईटी सपोर्ट कर रहा है आपका अदर जो जिन जो जिनका वेटेज कम है बैंक निफ्टी में आप आज के दिन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो एच ने ही किया ऑलमोस्ट नौ की रैली यहाँ पे देखने को मिली तो निफ्टी को एक नयो हाई बनाने में कोई टेंशन नहीं आएगी तो निफ्टी वाले जिन लोगों ने कॉल ले रखी है वो तो होल्ड करें ग्यारह आठ सौ के टारगेट उनको मिल ही जाएगा एक दो दिन के अंदर मे तो बी तीन चार दिन के अंदर वो कंफर्म उनको मिल जाएगा लेकिन बैंक निफ्टी वाले थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है अगर ये ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होता है तो फिर जो आपके लिए टारगेट है वो तेईस नौ सौ का है क्योंकि टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज यहाँ पे आ रहा है तो एक बार आपको यहाँ तक का ये टारगेट आपको हो सकता है दो तीन दिन में ही दिख जाए मे बी कल आ, कल अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है या तेईस हज़ार के आसपास क्लोज हो जाता है तो परसों एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन हो सकता है साइडवेज रहे अगली सीरीज में आपको ये टारगेट मिल जाए फिर वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए करीब करीब तेईस तीन सौ तक और फिर रिवर्सल करके इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा या 200 हंड्रेड डे मूवी एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो पूरा प्लान मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपको ये ट्रेड करना है अगर निफ्टी के ऑप्शन चेंज की बात करें तो देख लेते हैं एक बार क्या चीज़ें चेंज हुई हैं देखो ग्यारह छः सौ आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सत्ताईस लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है और चौबीस लाख का तो आज ही के दिन में ऐड हुआ है ग्यारह छः सौ की कॉल यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है सीधी सीधी आठ लाख साठ हज़ार का ओपन इंटरस घटता हुआ दिखाई दिया है ग्यारह पाँच सौ की कॉल पे आपको नौ लाख का ओपन इंटर घटता हुआ दिखाई दिया है बट ग्यारह सात सौ की कॉल पे अभी भी आपको चौबीस लाख तीस हज़ार का ओपन इंटर दिख रहा है ठीक है जो हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में भी दिख रहा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनने की कोशिश है लेकिन ये रेजिस्टेंस कोई ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि हम अगर अपने स्विंग हाई को देखें तो वो ज़्यादा जोर नहीं है वो हमारा ग्यारह का बना है तो वहाँ तक मार्केट बहुत ही आसानी से जा सकता है निफ्टी ऐसा कोई टेंशन की बात है नहीं क्लियरली और दिख भी नहीं रही है कि वहाँ तक नहीं जा पाए अब ये हो सकता है कि ये एक दो दिन में नहीं या फिर गैप अप में टेस्ट हो जाए और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो उस लेवल पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है सिंपल ही चीज़ें स्क्रीन पे अगर आपको 11780 के ऊपर निफ्टी के अंदर टिक्स दिख जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्लियर कट है उस जगह आप कुछ भी बाय करने की कोशिश मत करिएगा सेम चीज मैं बैंक निफ्टी में आपको बता दे रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में तेईस नौ सौ तो दिख जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा साइड हो जाइएगा यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कहाँ तक आ सकती है तेईस दो तक फिर जब रिवर्सल आएगा फिर हम ऊपर के टारगेट की बात करेंगे पच्चीस तक की ठीक है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी करेंटली अगर हम डाउ फीचर की के बात करें तो डेढ़ सौ पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है तो यहाँ पे भी एक तेजी बन बन रही है ग्लोबल मार्केट में अब अट्ठाईस हज़ार के ऊपर सस्टेन किया है कल के दिन में डाउन है और मैं अट्ठाईस हज़ार के ऊपर जाके यहाँ पे काम काज किया और क्लोजिंग भी दी है तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि बीस अक्टूबर से पहले हो सकता है कि यहाँ पर एक सैनैरियो और तेज़ी का बने क्योंकि अब यू एस इलेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं है तो उससे पहले हो सकता है कि डाउ जोन्स भी एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने की कोशिश करे और नेजट डेक भी तो ये मन थोड़ा सा तेजी वाला रह सकता है तो आपको क्या करना है कि कोई भी डिप आती है डिप आ रही है तेजी की पोजिशन बना के होल्ड करो कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट तक की और बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट तक की अपनी पोजीशन बना लीजिए तेजी की जैसे कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा कि बाईस आठ सौ से निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई कहाँ तक गया था करीब करीब बाईस दो सौ पचास तक गया था तो ऐसी कंडीशन कभी भी मिले आप अपनी तेजी की पोजीशन बना लो और उसको होल्ड करो एक दो दिन में आपको बाउंस मिलेगा एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा कंटिन्यूसली मैंने आपको एक तारीख से तेजी की ही बातें कर रहा करूँ तो इस पर्टिकुलर मंथ में आपको तेज़ी ही देखने को मिलेगी ज़्यादातर टाइम तो आपको डिप का यूटिलाइजेशन करना है टू क्रिएट अ लॉन्ग पोजिशन इतना आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया है तो फिर भी मैंने आपको लेवल बता दिया बन रहा है, वो एक चीज़ समझ देखो, यहां पे क्या हुआ है कि आज मार्केट ने क्या किया था कि ये इस लेवल के नीचे नहीं गया था यानी बाईस पाँच सौ के नीचे नहीं गया है जहाँ पे कि एक अच्छे खासे खासराइटर ऐड होते हुए दिखाई दे रहे थे तो आपको सिंपल ही चीज़ें बाईस पाँच सौ के नीचे चला जाए तो आपको अपनी तेजी की पोजीशन हल्की कर देनी है जब तक आप बाईस पाँच के ऊपर ट्रेड कर रहे हो पहला आपको इंडिकेशन कब मिलेगा बाईस आठ के नीचे जाते हो तब तो बाईस आठ के नीचे आपको स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी बाईस पाँच के नीचे थोड़ी शार्पली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी तो आपको इन्हीं दो लेवल पर ध्यान रखना है और जब तक आप बाईस आठ के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए ऊपर के टारगेट तेईस दो का तेईस तीन का ओपन है वहाँ तक बैंक निफ्टी इजिली जा सकता है तेईस तीन को पार करेगा तो 700 और 600 पॉइंट की रैली यहाँ पे बैंक निफ्टी में और फर्दर बन सकती है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी वहाँ पे जा हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाए उसके बाद रिवर्सल जब आएगा तब हम उसको प्ले करने की कोशिश करेंगे तो नजर रखिएगा इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपने आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के शुक्रिया दोस्तों